वालेकुम। तो आज हम आए हैं तीन एक्सपर्ट्स के साथ, मिस्टर अबनवाज, मिस्टर आमिर एंड मिस्टर अब्दुल्ला, कुछ टिप्स लेकर उन लोगों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं। तो इन तीनों में से ये जो हैं, ये आए थे टेम्परेरी रेजिडेंस पे, ये एज अ स्टूडेंट आए थे, ये भी एज अ स्टूडेंट आए थे। तो सबसे पहले आप लोग अपना थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें। अबनवाज, आप अपना इंट्रोडक्शन दें और आप किस वीज़ा पर आए थे यहाँ पर? तो अभी अलहमदिल्ला परमानेंट रेजिडेंसी हो गई है, तो अच्छा टाइम था जिस टाइम पे मैं आया था, अभी थोड़ा सा मुश्किल हो गया लेकिन ठीक है, नॉट बैड। मैं आया प्लस 500 पे स्टूडेंट वीज़ा पे 2010 जून में, और वहाँ से स्टडीज़ वगैरह करता रहा हूँ साथ साथ। उस वक्त टाइम बहुत अच्छा था, पर एवरी सिक्स मंथ वन ईयर न्यू चेंजेस, वीज़ा चेंजेस काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आ रही थी, और सबको देखा है, हमने फेस किया। और 2016 में परमानेंट रेजिडेंसी ग्रांट हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं आया था सब क्लास 500 स्टूडेंट वीज़ा पे, मैं मॉरिशस में आया था। और ये कौन है? मैं आया था सब क्लास 500 पे एज अ स्टूडेंट आया था, और मैं मास्टर्स डिग्री में आया था। मैं आया था 22 जुलाई 2018 में, और उसके बाद मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की, अपना प्रोफेशनल ईयर कंप्लीट किया, और अब मेरी पीआर का प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा पे आना एक अच्छा फैसला है या नहीं? ऑस्ट्रेलिया आना चाहिए स्टूडेंट वीज़ा पर या नहीं आना चाहिए? फॉर बैचलर स्टूडेंट्स मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि वो मैच्योर इनफ नहीं होते, और टू बी ऑनेस्ट वो ना काम की तरफ इतना ध्यान और ये चीज़ें होती हैं। फॉर अ मास्टर्स मैं कहूँगा हाँ, क्योंकि बैचलर्स 4 ईयर्स का होता है, 3.5 ईयर्स का होता है, उसके अंदर फिर आपको काम भी ज़्यादा करना पड़ता है, टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है। और ऑस्ट्रेलिया में मेरे ख्याल से अबाउट एवरी साल 2 साल लिमिटेशन क्या बदलती है क्या नहीं बदलती कुछ समझ नहीं आती। तो हाँ, मास्टर्स के लिए मैं प्रेफरेबल करूँगा, लेकिन बैचलर्स के लिए नहीं। मैं समझता हूँ द इजीएस्ट वे और जो स्ट्रॉन्ग पाथ है, जिस पाथवे जिसे कहते हैं, वो स्टूडेंट वीजा ही। डिग्रीज भी ना कौन सी मैटर करती है? डिग्रीज भी मैटर करती है, पर स्टूडेंट वीज़ा इज द मोस्ट ऑथेंटिक और ईजी और लीडिंग टू परमानेंट रेजिडेंसी वे है, और इसी से आना चाहिए। अगर लोग कोई सोचे कि मैरिज का सिस्टम करेंगे या बिजनेस वगैरह करेंगे या और कोई तरीका चलाएंगे कि भी स्पॉन्सरशिप हो जाए किसी तरह से, और या मलेशिया आकर इधर आ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे, दे ऑलवेज फेस डिफ़िकल्टीज और उनको नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, या इवन जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम्स चल रहे हैं, स्किल वीज़ा इज़ वेरी गुड, वो तो स्किलफुल बंदा है तो वो नो प्रॉब्लम, उसको तो स्टूडेंट वीज़ा ऑब्वियसली इसके लिए सूट नहीं करेगा। बट जो बंदा स्टडी कर रहा है, उस पर गैप नहीं है और आउटसाइड द वर्ल्ड पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहा है, ओवरसीज में जाएगा, तो स्टूडेंट वीज़ा इज़ द पाथ। लेकिन टाइम बाय करने के लिहाज से तो ज़्यादा स्टूडेंट वीज़ा ही प्रेफरेबल है ना, एज कम्पेयर टू आप इंजीनियरिंग वीज़ा 1.5 साल का पता नहीं लगता। अगर कोई इंसान पाकिस्तान से आ जाए लेकिन सिर्फ इतने पैसे लेकर आए कि बस उसका वही जो फीस वगैरह और इनिशियल पे करके आए, तो वो यहाँ पर काम करके अपनी फीस पूरी कर सकता है? फीस तो इजीली पूरी कर, बिल्कुल कर सकता है। ये 2010 में भी, 10 से हम आए हैं, उससे पहले तो खैर उतना रुझान नहीं था, फीस वाली प्रॉब्लम कभी हुई ही नहीं यहाँ पे, स्किल शॉर्टेज ऑलवेज है, कैजुअल वर्क करता है, वही काम करे तो आराम से हो जाता है। काम मेहनत करने वाला बंदा हो, घर से बाहर निकलो, आपके लिए कमाई के ऑप्शंस हैं। अब तो उबर ईट्स और राइड शेयर और सो मेनी अदर एप्लीकेशंस आ गई हैं, अगर आपको कहीं से काम नहीं भी मिल रहा तो यू कैन गेट ऑन योर कार और गेट योर अर्निंग स्टार्ट, वो बहुत सिंपल अर्निंग हो गई है। हाउएवर जहाँ तक फीस कंप्लीट करने का ताल्लुक है, तो टारगेट है कि हफ्ते में पॉकेट में या बैंक में आपके पास $1,000 जाना चाहिए। नहीं, सेविंग में, सेविंग जो होता है तो बहुत आइडियल है, पर मिनिमम 1,000 बैक करो तो कहीं ना कहीं आप खर्चे पूरे कर लेते हैं अपने। तो रबनवाज, आप इन दोनों से थोड़ी डिफरेंट स्ट्रीम से आए हैं, मतलब आपने फीसें नहीं भरी हैं, तो उस वीज़े का थोड़ी डिटेल बताएं कि आप कैसे आए हैं यहाँ पर। तो बेसिकली हमारा एक स्ट्रीम के तहत वाशिंगटन अकॉर्ड में हमारी डिग्री थी एफिलेटेड, तो डायरेक्ट हमें एज एन ऑस्ट्रेलियन ग्रेजुएट ट्रीट किया गया, हमें डायरेक्ट ईयर दी गई, तो अच्छा एक्सपीरियंस था, कोई खर्चा इतना खास नहीं हुआ, तो स्टूडेंट वीज़ा का एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन
हमें क्योंकि टी आर थी हमारे पास, तो एज कम्पेयर टू स्टूडेंट वीज़ा बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स थे। और जिस टाइम मैं आया था उस टाइम थोड़ा सा कोविड की वजह से था, रिस्ट्रिक्शंस थी, लॉकडाउन था, पहले 6 महीने थोड़े से मुश्किल थे, लेकिन जब बॉर्डर थोड़े से ईज होना स्टार्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट भी पॉलिसी। आपकी सब क्लास कौन सी थी? 476। तो आपको कैसे पता लगा था कि ये वॉशिंगटन अकॉर्ड से आपकी एफिलिएटेड है और आप आसानी से एज अ टी आर अप्लाई कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की? तो पाकिस्तान में हमारा पहला बैच था 2017 में जब फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुई थी, तो हमारी यूनिवर्सिटी से ही हमें पता चला था कि, क्योंकि जब हमें पढ़ाया जाता था तब हमारे कोर्स में ये इंक्लूड कर दिया था उन्होंने कि आपका ये होने वाला। तो हमारा फर्स्ट बैच था 2017 ऑल ओवर द पाकिस्तान डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, तो जो जिनका हुआ था ये एप्लीकेशन अभी भी चल रही है, लेकिन अभी प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है, 3-3 साल ले रहे हैं वीज़ा प्रोसेस। तो ये सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए है या इंजीनियरिंग के लिए और कोई भी नहीं होता? ओके, तो आपका वहाँ पे प्रोसेस कैसा था अप्लाई करने का? आपको क्या क्या क्राइटेरिया था? कोई आइल्स वगैरह देना पड़ा था? बहुत मिनिमम क्राइटेरिया था, बहुत ईजी था, सिर्फ आइल्स में 5.5 और कुछ फीस नहीं थी, फीस सिर्फ $300 थी वीज़ा एप्लीकेशन फीस, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं, हाँ कुछ भी नहीं, सिर्फ बहुत सारे मेरे क्लास फेलोज ने तो खुद ही किया था, मैंने कंसल्टेंट के थ्रू किया था क्योंकि मैं थोड़ा सा लेजी हूँ इस मामलों में। तो कंसल्टेंट ने कितना चार्ज किया था? तो 50,000 लिया था उसने। तो आपने कौन से कंसल्टेंट से चार्ज किया था? मैंने जरनाब इंटरनेशनल। कहाँ? पाकपतन में है वो? नहीं नहीं, वो लाहौर में। लाहौर में। तो बस अच्छा रहा प्रोसीजर, बहुत लकी था और सारे लकी थे जिनके लिए वीज़ा खुला, क्योंकि अदरवाइज तो बहुत एक्सपेंसिव। तो आपने अपना स्टूडेंट वीज़ा खुद अप्लाई किया था या किसी एजेंसी के थ्रू किया था? मैंने इसको टोटली खुद किया और इसके पीछे ऑब्वियसली मेरा मोटिवेटर मेरे फादर थे, उन्होंने मुझे पुश किया कि इसको टोटली खुद करो, वी डोंट नीड टू गो टू एजेंट्स, और मैंने खुद किया। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा बट एंडेड अप विद अ सक्सेसफुल वीज़ा ग्रांट। ठीक है, तो आप डेफिनेटली रेकमेंड करेंगे कि लोगों को स्टूडेंट वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और अगर स्ट्रगल कर रहे हैं और अगर बाहर का सोच ही रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री का, तो ऑस्ट्रेलिया इज़ द बेस्ट चॉइस। कैनेडा, USA लेटर चॉइस होनी चाहिए, अनलेस आपके पास कोई वहाँ पे अरेंजमेंट है ऐसी जो कि आपको अच्छे बात पे लेके आ सके। और सबसे जो मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पर आवर जो आपका रेट है वो सब कंट्रीज में सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप मिनिमम भी $15-16, वो भी मिनिमम कह रही हूँ जो कैश इन हैंड है वो आप कमा लेते हैं। 18 पे चला गया है, हाँ अभी 20 से अबव, और अभी अगर आप हाईएस्ट जाते हैं तो 40s में भी आपको रेट मिलता है, तो ये कंट्री लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है बिल्कुल। तो अब्दुल्ला, आपने एजेंट के थ्रू किया था या? मैंने ABM एजुकेशन कंसल्टेंट थे मैं मालम रोड पे, मैंने उनके थ्रू किया था और मेरे टोटल प्रोसेस को अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम मंथ लगा होगा, और मेरा वीज़ा भी आ गया था, मेरा वीज़ा 3 दिनों में आया था और मैक्सिमम 1 मंथ लगा था। चलें, और कोई टिप्स आप देना चाहते हो, 1-2-3 लाइंस में बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्यों आना चाहिए ऑस्ट्रेलिया, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया अगर आना चाहिए डेफिनेटली आना चाहिए, लेकिन ये है कि स्टूडेंट वीज़ा पे अगर आप आते हो तो अप्रॉक्सीमेटली कम अज़ कम भी जो इस वक्त खर्चा होगा ना मेरे ख्याल से वो 45-50 के दरमियान में होगा। पहली साफ बात, फीसेस और अपने एक्सपेंस लेके आना, टिकट वगैरह ये सारा कुछ करा के अप्रॉक्सीमेटली 50 के करीब आपको खर्चा पड़ेगा। उसके लिहाज से अगर देखा 50 लाख 50 लाख के करीब, तो अगर वो चीज़ देखी जाए तो वो आपकी अर्निंग के लिहाज से अच्छी जगह है, आप वो कर सकते हो आगे जाके और आप ये वापस भी निकाल सकते हो आराम से। लेकिन सिर्फ ये चीज़ है कि आपको ये सोच के आना चाहिए कि आप जिस फील्ड में आ रहे हो वो फील्ड अच्छी है। अगर आप अकाउंटिंग में इस वक्त आते हो या इस तरह की फील्ड्स में आते हो, उनका आगे स्कोप ही नहीं है तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो अपना स्कोप प्रॉपर सेट करके आओ, और अगर डिग्री करने आ रहे हो ना तो डिग्री में रहे शॉर्ट कोर्सेज वगैरह इनकी तरफ ना जाओ। और फिर वही चीज़ है कि पॉइंट टेबल आपने मीट करना होता है, तो बेटर यही है कि आप ये करके। हाँ जी, आपका क्या है? मैं ये कहूँगा कि अक्सर बड़ा कॉमन सवाल है
कि पाकिस्तान से क्या इक्विप होके आए कि यहाँ पे आके फ़ायदा हो और अच्छा सा बंदा राइट वे आपको किक स्टार्ट मिल जाए, स्किल्स कौन सी लेकर आए। तो ऑब्वियसली इस पर हम आगे एक आगे डिटेल्ड व्लॉग भी करेंगे, तो आप टिप्स फौरन से एक शॉर्ट में बता दें कि स्किल्स लेकर आए और ट्रेड की स्किल्स हों, लाइक वेल्डिंग है, प्लम्बिंग है, आपकी कारपेंट्री है और इस तरह की जो स्किल्स हैं बड़ी यूजफुल हैं। कौन सी स्टूडेंट? तो उस स्किल्स के अपना थोड़ा सा आपको अपडेट करें उसके ऊपर, और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इधर सारी स्किल्स आपको बेसिक फ्रॉम बेसिक स्टार्ट से मिल जाएंगी, वरी नहीं करें। और जस्ट माइंड प्रिपेयर, जैसे अब्दुल्ला ने कहा कि कोर्स सिलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट और स्टिक टू इट, क्योंकि चेंजिंग द कोर्स लेटर ऑन स्विचिंग यूनिवर्सिटीज कॉलेज इज नॉट ईजी, और इसमें काफ़ी डिफिकल्टीज हैं, वीज़ा में भी डिफिकल्टीज हैं, क्योंकि एवरी स्टेप पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा वीज़ा में सारी बतानी पड़ती है। तो कीप योरसेल्फ सिंपल ऑन डू द राइट फॉर योर नोट और अपनी सीईओ मेंटेन। मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि सबसे पहले तो अपने ईगो पाकिस्तान में छोड़ते हैं, जिस भी फैमिली बैकग्राउंड आपको मेंटली प्रिपेयर होकर आना चाहिए, और अपनी ईगो शीगो अनलेस कि आप बहुत ही बड़े किसी लैंडलॉर्ड के बच्चे हैं तो फिर अलग बात है, अदरवाइज आपको यहाँ पे किसी भी तरह का काम करना पड़ सकता है। और यहाँ पे कोई भी काम बुरा नहीं समझा जाता, सारे काम इक्वल हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं चाहे आप क्लीनर हैं, ये ऑस्ट्रेलियन सबको एक ही जैसा ट्रीट करते हैं, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और बाकी बजट के हिसाब से स्टार्ट में थोड़ा सा पैसे आप सेव करके लाएं अपने साथ कि आप अपनी राइड बाय कर सकें, अगर आपके पास यहाँ पे राइड है तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। और लाइसेंस तो डेफिनेटली आपके पास पाकिस्तानी तो होना चाहिए, जब भी आप 18 के होते हैं लाइसेंस आपको ले लेना चाहिए सबसे। हम यही कहना चाहेंगे कि आप ज़रूर ऑस्ट्रेलिया आएं, यहाँ पर ज़रूर अपना करियर ढूंढें, और लेकिन बहुत समझदारी के साथ एक अच्छी डिग्री चुनकर आएं जो आपको वाकई ही आगे पीआर की तरफ लेके जाए। इधर उधर के छोटे मोटे कॉलेजेस में दाखिला लेकर अपने आप को और अपनी ज़िंदगी को ख्वार मत कीजिए। आपका हमारा व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, आगे तक जुड़े रहिएगा, हम इसी तरह की आपके लिए सेशंस और लाते रहेंगे। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं ऑस्ट्रेलियन लाइफ के बारे में तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द उसके बारे में व्लॉग करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।